नमस्कार विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं हमारी कक्षा जो 10 है ऑनलाइन कक्षाओं में, और उसमें हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, क्षितिज में काव्यखंड का जो अध्याय 10वां है ऋतुराज, तो उनके द्वारा जो रचित रचना है कन्यादान, तो उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पहले हमने भाग एक का अध्ययन किया था, जिसमें एक माँ जो है अपनी पुत्री को अपनी अंतिम पूंजी मानती है और कहती है कि जो मेरी पूंजी थी, मैंने जो जमा की हुई थी सारी जो पूंजी है वो चली गई है, और वो हर प्रकार से जो माँ का दुख है अत्यंत प्रमाणिक था, हर प्रकार से वो अपने आप को महसूस करती है कि उसके पास में कुछ भी बचा नहीं है, और कहती है कि मेरी बच्ची जो भी इतनी अधिक सियानी नहीं है कि विवाह के बाद में जो दुख हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वह उनको जान सके। तो ऐसा ही भाव उसमें पहले भाग में उन्हें पढ़ा था। अब दूसरा जो भाग है, इसके अंदर एक माँ जो है अपनी पुत्री को क्या सीख दे रही है, अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है कि ससुराल में जाकर तुम्हें कैसा व्यवहार करना है, कैसे रहना है, तो उसी भाव को ही इसमें ऋतुराज ने लक्षित करने का प्रयास किया है। तो हम अध्ययन कर रहे हैं ऋतुराज द्वारा रचित जो रचना है कन्यादान, उसके भाग दो का, जिसमें एक माँ सीख दे रही है अपनी पुत्री को जब वह ससुराल जा रही है। तो देखते हैं आगे क्या बता रही है माँ। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। अब इसमें पानी में झांकना मतलब, अब इसमें पानी जो शब्द है, ये जो शब्द आया वो दर्पण के लिए आया है, आईने के लिए आया है। अब अपने देखते हैं ना कि कई बार जो है कि स्त्रियां जो है केवल अपने रूप सौंदर्य पर ही आकर्षित रहती हैं, और वे ससुराल वालों में समझती है कि वो सबसे ज्यादा सुंदर वही है, तो वह भी एक दुख का कारण बन जाता है। तो इसलिए माँ कहती है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। अब माँ कहती है कि पानी में अर्थात दर्पण में देखकर, अपनी सुंदरता को देखकर उस पर रिझना मत, क्योंकि अगर तुम रिझोगी अपने ऊपर घमंड तुम्हें हो जाएगा, गर्व हो जाएगा, तुम्हें यह लगेगा कि ससुराल में सबसे सुंदर ज्यादा तुम ही हो, तो वह भी दुख का कारण बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि तुम्हारे जो जेठानी वगैरह है, जो ननंद वगैरह है, जो सासू है, वो तुमसे ईर्ष्या करने लग जाएंगे, और वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब इसमें कवि कहता है कि आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए है। अब पहले जो था, अपने पढ़ते आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं कि अब एक जो विवाहिता है वो ससुराल वालों से परेशान होकर उसने अपने आप को अग्नि की भेंट कर दिया, अपने आप को आग लगा ली, या ससुराल वालों ने जो वधु थी, जो बहू थी, उसको जला दिया। तो इस प्रकार के भाव से बचाने के लिए कवित्री कहते, इसमें कवि कहता है माँ के माध्यम से कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब इसमें माँ कहती है कि चाहे कितनी अधिक विपत्ति क्यों नहीं आ जाए, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, उससे विचलित नहीं होना, और आत्महत्या यानी कि आग जो है, आग के अंदर जलने की तो कभी सोचना ही मत कि तुम अपने आप को जला दोगे तो सही होगा, बल्कि यह सही नहीं है। माँ कहती है कि ये तो आग का अपमान हो जाएगी, क्योंकि आग पवित्र होती है, और उस पवित्र अग्नि के अंदर अपने आप को, क्योंकि विकारों से भरा हुआ जो शरीर है, अपने उसको उसके अंदर डाल रहे हैं, तो अपने बुरे जो विचार है वो भी अपने डाल रहे हैं, तो वह उस अग्नि के लिए, अग्नि की पवित्रता का भी अपमान होगा। तो इसलिए आग जब रोटियां सेकने के लिए केवल रोटियां सेकने तक ही रखना, उसका इस्तेमाल करना, सदुपयोग करना, बल्कि दुरुपयोग नहीं करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। अब देखिए इसके अंदर, क्योंकि जो औरतें होती है ना, वो वस्त्र और आभूषण के ऊपर ज्यादा आकर्षित हो जाती हैं, तो कवि इसमें कहता है कि वस्त्र और जो आभूषण है उसके ऊपर तुम्हें रिझना नहीं है। एक माँ के माध्यम से अपनी पुत्री को सीख दी जा रही है कि जो वस्त्र और आभूषण है वो केवल भ्रम मात्र है। तुम्हें अच्छे अच्छे वस्त्र जो अगर मिल रहे हैं या आभूषण मिल रहे हैं, तो तुम सोच रहे हो कि तुम्हें सारा सुख मिल गया है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये तो बंधन है स्त्री जीवन के, क्योंकि यह बंधन है, बंधन में बंध रही हो तुम, एक नए प्रकार के जो बंधन है उसके अंदर बंधती हुई, क्योंकि अगर तुम वस्त्र और आभूषण के शाब्दिक जो भ्रम है, जो जाल है, उसके अंदर फंसती चली गई, तो तुम अपने अनुसार कुछ भी नहीं कर पाओगी और तुम सदा ही दुख का अनुभव ही करोगी। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना।
अब इसमें एक माँ कहती है कि लड़की तो होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। और देखिए दोनों ही भाव कैसे हो सकते हैं, भी लड़की भी हो जाए, लड़की बनी रहे और लड़की जैसी दिखाई भी ना दे। अब ये विरोधाभास कह सकते हैं अपने, इसमें कहने का भावार्थ ये है कि माँ ने कहा लड़की होना, माँ ने कहा कि लड़की जैसी जो विनम्रता है, शालीनता है, सदाचार है उसे तो रखना, चंचलता तो रखना, कोमलता तो रखना, लेकिन अगर तुम्हारे सामने कोई विपत्ति अगर आ जाती है तो तुम्हें उसका डटकर मुकाबला भी करना है, अपने स्वाभिमान को जागृत भी रखना है। तो इसलिए कहा है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना, कि लड़की जैसी से दुर्बल सी, निर्बल सी, अबला जो है, अब नारी को अबला का रूप भी माना जाता है, लेकिन तुम्हें जो है वो सबल होकर रहना है, बलपूर्वक रहना है, यानी कि बल तुम्हारे अंदर होना चाहिए, चाहे कितनी विपत्ति क्यों नहीं आ जाए उसका तुम सामना कर सको, स्वाभिमानपूर्ण जीवन जियो, ऐसा तुम्हें बन के रहना है। तो यह जो सीख है एक माँ अपनी पुत्री को दे रही है, जब उसकी पुत्री जो है विवाह के उपरांत, विवाह के बाद में अपने ससुराल जा रही है, तो इस प्रकार से जो है एक माँ जो है कि नई सीख दे रही है। पहले के समय में क्या था, एक माँ सीख देती थी कि तुम्हारा तो घर वही है ना, तुम्हें वहीं पे रहना है, अब अंतिम सांस भी तुम्हारी वहीं पे आनी चाहिए। तो इस प्रकार से इनकी जो पौराणिक परंपरागत जो बातें हैं उनसे हटकर जो है एक माँ इसमें सीख दे रही है, और एक सफल पूर्वक स्वाभिमानपूर्ण जीवन जीने के लिए अपनी पुत्री को प्रेरित कर रही है। और इसमें जो माँ है वो कहती है कि तुम्हें सभी का आदर सम्मान भी करना है, स्नेह भी सभी के साथ में रखना है, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार होता है तो उसका स्वाभिमानपूर्ण सामना भी करना है। तो यही भाव इसमें बताया कि तुम्हें इससे विचलित होकर, विपत्तियां ससुराल में आ जाती हैं तो उसे विचलित होकर तुम्हें आग की भेंट नहीं चढ़ना, अर्थात अपने आप को जलाना नहीं, समाप्त नहीं करना, अपनी यही लीला जो है वो समाप्त नहीं करनी है। तो यही भाव इसके अंदर बताने का प्रयास किया गया है, और साथ ही साथ कहा है कि जो वस्त्र और आभूषण है तुम्हें इस पे रीझना नहीं है, इसके बंधनों में बंधना नहीं है तुम्हें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो वस्त्र और आभूषण है इसके द्वारा, इसके वश में होने के बावजूद कई बार ऐसा जो अनचाहा काम है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वह काम भी हो जाता है लालच के वशीभूत होकर। तो एक माँ कहती है कि तुम्हें वस्त्र और आभूषण के बंधनों में बंधना नहीं है, बल्कि स्त्री जीवन के बंधन है और इससे तुम्हें दूर रहना है। तो यह जो सीख है ऋतुराज द्वारा कन्यादान कविता के माध्यम से आधुनिक जो समय में किस प्रकार की शिक्षा जो है एक माँ द्वारा दी जानी चाहिए, इसी भाव को इसमें रक्षित करने का प्रयास किया है। तो आज हमने ऋतुराज द्वारा रचित जो रचना है कन्यादान, उसके भाग दो का अध्ययन किया है। पहले हमने भाग दो का अध्ययन, एक का अध्ययन किया था जिसमें बालिका जो है, जो पुत्री है नादान थी, दुखों को नहीं जान पाती थी, केवल उसको जो विवाह है उसके बाद में ऐसा लगता था कि सुखी ही सुख प्राप्त होगा, आनंद ही आनंद प्राप्त होगा, तो बल्कि वो कहती है कि दुख भी होते हैं, तो वह उसको जान बांचने वाली नहीं है, अर्थात पढ़ने वाली नहीं है, वो उसको पढ़ना नहीं आता है, अब जाते हुए सीख दे रही है। तो ये जो सीख है आधुनिक संदर्भ में भी, आधुनिक समय के अंदर भी बहुत ही उपयोगी है। तो इस प्रकार से एक माँ ने आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपनी पुत्री को सीख दी है। तो आशा है कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।